क्योंकि बहन जी ने हम पे विश्वास करके आप सबके बीच भेजा है और मैं जनता की हर इच्छा और कामना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल आप सबने देखा है। सर्व समाज के लोगों का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर सरकार चली है और आज पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी की मांग है और प्रधानमंत्री पद के लिए उनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी आप सबके बीच बहुत तेजी से पूर्ण जोर शोर से लड़ेगी और इस सीट पर सफल होकर जीत कर जाएगी। मैं शिव कुमार दोहरे ऐसे से वकील हूँ और बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज भाईचारा में प्रदेश कोऑर्डिनेटर बहन जी ने बनाया था और मैंने लगभग हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की समाज के लोगों के बीच जाके मिले और बैठक की काम किया। सुकुमार जी आप बाहरी हैं ऐसा लोगों कहना है, तो इसको कैसे दूर करेंगे? बाहरी कहाँ है? हरियाणा से आए। मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं इसी प्रदेश का हूँ और मैं आपके बगल लखनऊ में 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और बाराबंकी हमसे अछूता नहीं है। मैंने हर विधानसभा में और लगभग चुनाव के पीरियड में 25 सालों से लगा हूँ। कोई गांव छूटा होगा तो चुनाव में गया हूँ और यहाँ से अवगत हूँ सारी परिस्थितियों से। भाजपा जो है बीएसपी जो है भाजपा और इंडिया गठबंधन से कैसे मुकाबला करेगी? क्या बीएसपी जोर तोड़ से लड़ेगी और पूरी दमखम के साथ। भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है, सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों को लुभावने वादे करती है। 15 लाख देने के लिए आम जनता के लोगों को कहा था, आज तक किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। सिर्फ 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहती है। सारे रोजी रोजगार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने छीन लिए हैं। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको कहीं पर रोजगार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप पकौड़ा तलिए, यही क्या रोजगार देने का उनका था? जहां करोड़ों लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, कितने लोगों को नौकरी आप तक दी है? सुकुमार जी एक ये लेवल लग रहा है कि वो भाजपा की बी पार्टी है, लोग कह रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं बी पार्टी क्या चुनाव हो रहा है, वो तो आप देख रहे हैं। देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी माननीय योगी जी के साथ बैठक करते हैं, मिले जुले हुए हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव जी भाई मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से इस सीट से जीत कर आपके बीच जाएगी और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने में आप सबका पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये लोकसभा बाराबंकी की सीट जीतेंगे। सुकुमार जी लगता नहीं है कि बहुत देर हो गई, पार्टी ने बहुत विलंब कर दिया आपका नाम सामने लाने में? जी पार्टी ने आपका नाम सामने लाने में बहुत विलंब नहीं कर दिया, लेट से नाम? देखिए ये हमारी नेता का आदेश, जैसे भी हुआ वैसे हम इस क्षेत्र में लग गए, पूर्ण जोर शोर से काम कर रहे हैं और आगे इस सीट को जीत कर जाएंगे। आपके घोषणा के पहले ही मीता गौतम का इस्तीफा आ गया, ये उनका पर्सनल मामला है, वो अपने को अस्वस्थ बताती हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लगता नहीं आपको कि आपको समय कम मिला है? कुछ समय नहीं कम मिला है, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, सर्व समाज के लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इस सीट से जीत कर जाऊंगा और बहन जी की झोली में डालूंगा। मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन का नुकसान ज्यादा होगा, इस तरह के इंडिया गठबंधन है कहाँ, कहाँ दिख रही है इंडिया गठबंधन में कर रहे हैं तमाम पार्टियों के लोग, कहाँ किसका क्या है? ये सब छलावा है और कहीं कुछ नहीं है, ये सब अपना राग कह रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जोर शोर से लड़ रही है और जीत कर हासिल इस सीट को भी बहन जी के झोले में डालेंगे, बहन जी प्रधानमंत्री देश की बनेगी। क्या लगता है कि पिछले लोकसभा की तुलना या फिर विधानसभा में
बसपा की सीटें नहीं आई, इस बार क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखिए, हम प्रयास में इसमें है हमारी पार्टी कि इस पूरी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, और हमारी बहन भी जो है पूरी सरकार बनाने के स्तर में पहुंचेंगी और अच्छी सीटें जीत कर दूसरी पार्टी में जा चुका है। ऐसा कहना गलत है। तमाम लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो दूसरी तरह के अफवाह फैलाते हैं, उसमें हमारे बीच के भी लोग हैं जो दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज का वोट एक एक बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। बहन कुमारी मायावती अब ये तो हमारे नेता का आदेश है, तो हमारे और वो भी आएंगी, ये तो उनके उस पर है, आगे हम बताएंगे। जो है चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, ट्विटर से जो है वहाँ से सूचना देते हैं, लेकिन धरातल पे क्यों नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके बीच बराबर रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, चुनाव के बाद भी बराबर मुलाकात होती है। आपके उतरने बीएसपी को उतरने से सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है? ऐसा झूठ है, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी, सिर्फ पैसे फैला के वो सरकार के मंत्रियों को लगा के सब आप सब लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा उनके पास न वोट है न कुछ है।